दिया है मुझे। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, तेरे ही कलाओं से बड़ी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ, आज यहाँ से मैं निकल जाऊंगा, प्रभु की सेवकाई के लिए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे जीवन की महत्वपूर्ण, हम जब एक साथ रहते हैं, प्रभु को महिमा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, ये एक साथ करना आसान बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अकेला जीवन में कैसा आप बिताते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। लोगों की नजर में तो मैं भी बहुत बड़ा प्रोफेट हूँ, सेवक हूँ, आप भी लोगों के नजर में अच्छा व्यक्ति है, पास्टर से एवेंजलिस्ट है, विश्वासी है या विश्वासी नहीं भी है, मैं इसको ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन आपका जीवन के सफर में आप अकेला में क्या जिंदगी बिताते हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये जिंदगी सिर्फ आप और आपका खुदा के साथ होता है। मैं चाहूंगा कि आज यहाँ खत्म करने के बाद आप लोग जरूर अपना अपना घर चला जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन हमेशा अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को कभी मत छोड़िए। आप यहाँ पर बैप्टिस्ट क्रिश्चियन हो सकते हैं, सीआरसी क्रिश्चियन हो सकता है, अलग अलग डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेशन आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। स्वर्ग अगर ले जाएगा तो सिर्फ प्रभु, प्रभु, प्रभु। मैंने कहीं भी ये बाइबल में कहीं भी क्रिश्चियन बनाओ नहीं बोला है। कोई अगर मुझे दिखा सकता है तो मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा। बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है जाके क्रिश्चियन बनाओ। कोई अगर मुझे दिखा सकता है तो मैं मिनिस्ट्री बंद करूंगा। यहां लिखा है डिसाइपल बनाओ। क्या बनाओ, क्या बनाओ, क्या है हमको क्या बनाने बोला है, क्रिश्चियन बनाने या डिसाइपल बनाने? राइट, हालेलुया। इसीलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो कोई क्रिश्चियन के बारे में बताने नहीं आया, लेकिन मैं यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ, कोई दूसरा नहीं। नो बिजनेस फॉर डिनोमिनेशन, नो बिजनेस फॉर माई अनॉइंटिंग, नो बिजनेस फॉर एनी अदर एल्स, बट माई बिजनेस इज जीसस क्राइस्ट। एंड आई होप वी ऑल फॉलो जीसस, वी ऑल, बिकॉज बाइबल फॉलो मी बोलता है, यीशु मेरे पीछे आने के लिए बोला है। हालेलुया। आज जितने भी हम आए हैं यीशु के पीछे चलने वाले हैं। हम बीमारी है, तकलीफ में है, जो भी है, जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलेगा, जो व्यक्ति यहाँ पर गवाही दिया मरने वाला था, कहाँ गया मरने वाला आदमी, बताइए ना, बड़ा काम है आपसे, बड़ा खड़ा रहिएगा, क्योंकि आप लोग काफी इधर बैठा है। आपको किसने ठीक क्या बोले, तो
ईसु मसीह। सिंपल चीज, यह व्यक्ति मरने वाला था, बोलता वो अपने लैंग्वेज में बोला, जो भी स्पिरिट में मुझे समझ में आया, वो भी इसको गाड़ने के लिए कभी उसका जीजा किया, कभी दीदी आ रहा है, कभी दोस्त आ रहा है, लेकिन आज शायद उन लोगों को गाड़ने के लिए ये ले जाएगा, लेकिन ये जाने वाला नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वो इसीलिए आता था क्योंकि यीशु को नहीं जानता है। हालेलुया, लो यीशु को जानता है ना, वो बोलता है नहीं मरेगा रे तू उठेगा, नहीं मरेगा रे तू उठेगा। और आज देखो पूरा झींगा लाला बन गया, शादी वादी नहीं, हमको शादी वादी नहीं सर, वो है एवेंजेलिस्ट भी है, पास्टर भी कर रहा, पास्टर भी कर रहा। सांस इधर ले रहा था, इधर निकल रहा था, है ना सर? सॉरी सर, एक चीज छूट गई, किरा भी तुम चाहिए, किरा भी लग गया। यीशु क्या बोला मैंने, बोली क्या? आप लोग कितना आशीषित है कि मेरे जैसा पास्टर या इंजीनियर का प्रोफेक्ट आके आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। इनका तो वो भी नहीं था, जहां तक मैं समझ रहा था आपका बोली, मैं इसलिए बोला और थोड़े दिन रहूंगा मैं सीख जाऊंगा। भूल हुई है मेरी जिंदगी में, माफ कर दो खुदा, करता हूँ अपने जीवन को स्वीकार ले है पिता, समर्पण करता हूँ अपने जीवन को स्वीकार ले है पिता। हफ्ते हफ्ते थक जाता हूँ मैं, हफ्ते हफ्ते थक जाता हूँ मैं, रोते रोते सूख गए आंसू, दिन रात तुझको सोचे तेरे रहता हूँ, बड़ी भूल हुई है मेरी जिंदगी में, माफ कर दो खुदा। चलते चलते गिर जाता हूँ मैं, चलते चलते गिर जाता हूँ मैं, यहोवा के कानों पर गिरना सुनाई दिया है, भरोसा तुझ पर, भरोसा तुझ पर कर तेरे रहता हूँ, बड़ी भूल हुई है मेरी जिंदगी में, माफ
कर दो खुदा। सोचते सोचते रुक जाता हूँ मैं, सोचते सोचते रुक जाता हूँ।